केंद्र सरकार ने कैबिनेट की बैठक में आज अहम फैसला लेते हुए रसोई गैस सिलेंडर 200 रुपए सस्ता करने की घोषणा की है। इसका लाभ सभी उपभोक्ताओं को मिलेगा। साथ ही कैबिनेट ने 75 लाख महिलाओं को ओणम और रक्षाबंधन पर्व पर तोहफा देते हुए उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त कनेक्शन देने की घोषणा की है। उज्ज्वला योजना कनेक्शन वालों को इस निर्णय से अब 400 रुपए का लाभ होगा। ओणम और रक्षाबंधन का त्यौहार देश में जहां एक और खुशियों को सब और लाता है, हर परिवार में इसको धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं पर रक्षाबंधन के अवसर पर की पूर्व संध्या पर मैं जरूर कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से जब से देश के प्रधानमंत्री बने एक के बाद दूसरा निर्णय है महिला उत्थान के लिए, महिला विकास के लिए उनके सारे निर्णय रहे और महिला नेतृत्व विकास की बात दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर भी और विश्व पटल पर भी रखी। और आज जब ओणम और रक्षाबंधन का त्योहार है तो मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि एक बार देश की लाखों बहनों के लिए फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ा तोहफा दिया है कि 75 लाख बहनों के लिए उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत उनको गैस कनेक्शन मिलेंगे, उनको एक रुपया भी नहीं देना पड़ेगा, गैस कनेक्शन भी मुफ्त मिलेंगे, पहला सिलेंडर भी, पाइप भी, चूल्हा भी। ये देखिए बहुत बड़ी एक सुविधा मिलती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया है कि 200 रुपया गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाएंगे, सभी उपभोक्ताओं के लिए 200 रुपये दाम कम होंगे और उज्ज्वला गैस योजना वालों को 200 रुपया सब्सिडी पहले ही मिलती है। तो सभी उपभोक्ताओं को जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर यूज करते हैं उसका दाम 200 रुपये कम कर दिया गया है। रक्षाबंधन पर देशभर की बहनों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी जी ने दी है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं ये 75 लाख जो नए कनेक्शन और मिलेंगे, ये जो कुछ परिवार रह गए थे उनको भी, या कईयों के नए राशन कार्ड बनते हैं, कई नए परिवार, बेटे की शादी होगी तो नया परिवार बनता है, तो उनके लिए भी ऐसी सुविधा उपलब्ध होगी। जितने उपभोक्ता गैस के हैं, एलपीजी जो यूज करते हैं, डोमेस्टिक सिलेंडर इनके जो घरों में यूज होती है, उन सभी उपभोक्ताओं के लिए दाम 200 रुपये कम कर दिए गए हैं। उज्ज्वला गैस के जो लाभार्थी हैं उज्ज्वला योजना के, उनको भी 200 रुपये जो कम हुए उसका भी लाभ मिलेगा और जो 200 रुपये सब्सिडी उनको मिलती रहती थी वो एज इट इज कंटिन्यू रहेगी, तो उनको 400 रुपये का लाभ मिलेगा।